अहमदाबाद में तुम्हारा स्वागत है। थैंक यू और फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। वो मैं ही हूँ, वही चल रहे हैं मी ओनली। एंड सब मीडिया दोस्तों को माफ कीजिए, थोड़ा लेट हुआ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब भी वो बुला रहे थे तब आया था मैं, तो सॉरी फॉर द डिले। बीड़ी पीने गए थे? बीड़ी बीड़ी नहीं 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 पीना है तो बीड़ी नहीं पीना, ड्राई स्टेट। So before we go ahead with the conversation with media people, एक सवाल जो आपने अभी अभी बताया कि कैसा कर लेते हो, कैसे कर लेते हो कि हर एक कैरेक्टर जो आप पकड़ते हो, हर एक कैरेक्टर जो हमको देखने मिला है फ्रॉम ईकर टू एवरी कैरेक्टर, वो ऐसे लगता है कि ये ओके ये नानी है, ऐसे छुप जाते हो या फिर उसमें घुस जाते हो? हाउ डू यू डू इट? ये हर चीज जो एक नई तरीके से जो आप करते हो, ये लॉन्च होना, ये इस तरीके से टूर पे निकलना, हर एक चीज कुछ इनोवेशन कुछ नया होता है, हाउ? मैं आई थिंक आई बीन ब्लेस्ड, लकी हूं बहुत, क्योंकि इस तरह के डिफरेंट यूनिक स्क्रिप्ट मेरे पास लाया गया है। और ऐसे एक्टर है जिन्होंने राजमौली सर के साथ भी काम किया है और आपने एक डेब्यूटेंट एक्टर के साथ, डेब्यूटेंट डायरेक्टर के साथ भी आप काम कर रहे हैं, सो हाउ डू यू मैनेज थिंग्स और हाउ डू यू चूज कि इनसे काम करना है, ये नए हैं या फिर ये सीजन है इनसे काम नहीं करना है या फिर ये फिल्म लेनी है? सीजन आई थिंक एंड ऑफ द डे टैलेंट तो टैलेंट है, पुराना है या नया है, तो मैं जो देखता हूँ वो ऑनेस्टी के लिए देखता हूँ। जब वो स्टोरी नरेक्ट करते हैं और स्टोरी कितना यूनिक है वो देखता हूँ। तो जैसे मैंने बोला पहले, बस लकी हो गया मैं, वो मुझे चूज किए, मैं उन्हें चूज नहीं किया, तो आई शुड थैंक माई स्टार्स दैट दे ऑल चोज मी बिकॉज एवरीथिंग टर्न्ड आउट ब्रिलियंट। इतने बड़े सेट पर ये पूरा शूट हुआ है, आपने कहीं पर बताया था कि पूरा कोल का डस्ट वगैरह वहां पर रख के पूरा ऐसे शूट एकदम किया, कैरेक्टर एकदम ऐसे लगता है कि ये यहीं कहीं पर ही एक ऐसी जगह जहां पर ये बना है। नॉट एट ऑल इट सीम्स लाइक फिक्शन, बट ऑन द अदर एंड इट हैज सम कनेक्शन विद रियलिटी आल्सो। इट हैज सो इट इज एक्चुअली अ प्लेस कॉल्ड गोदागिरी इन रूरल तेलंगाना। वहाँ पे एक सिंगर इन कॉल मैच है जो एशिया में ही आई थिंक नंबर वन बहुत बड़ा कॉल मैच है। वहाँ का एक गांव है वीरलबल्ली, सो वीरलबल्ली में सेट है। तो मैंने भी वो वर्ल्ड को कभी नहीं देखा, मैं हैदराबाद से, आप अहमदाबाद से, आप भी नहीं देखा, तो हम सबको भी एक नया वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने का एक चांस मिलेगा। जब हम 30 तारीख को थिएटर एंटर होंगे, आप वीरलबल्ली में एंटर हो गए, और जब थिएटर के बाहर आओगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा बाहर का ट्रैफिक को एडजस्ट करने के लिए। अच्छा। क्योंकि उतना वो वीरलबल्ली का वर्ल्ड में इस कहानी में इस कैरेक्टर्स के साथ आपको पुलिंग करेगा, तो उसका हैंगओवर तो रहेगा ये 2-3 दिन, इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज। फिल्म के बारे में आप जो बात कर रहे हैं थोड़ा मैं, एंड हाउ यू वर श्रीकांत ओडेला जो डायरेक्टर है इस फिल्म का, ये बहुत बड़ा सेटअप है, बड़ा प्रोजेक्ट है, मगर वो डेब्यू डायरेक्टर। वो जब आगे मुझे स्टोरी बताया कि ऐसी एक स्टोरी करने का, और ये श्रीकांत ओडेला भी गोदाखनी से, उसका लाइफ लॉन्ग वही एरिया से आया है। उसका फादर भी वो कोल माइंस में 40 साल नंबर ड्राइवर का जॉब किया है, तो वो वर्ल्ड को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। ये ऐसी कहानियां अभी चार वॉल्स के बीच में ऑफिस में बैठ के या प्रोडक्शन हाउस में बैठ के लिखने वाला कहानी नहीं, वो अपनी जिंदगी से ही आ सकती है ऐसी डिटेल्स ऐसा। यहाँ पूरा उसका एक्सपीरियंस, जो कैरेक्टर्स उसने देखा, जो वर्ल्ड उसने देखा, वो उसको रिक्रिएट करने की फिक्शनल स्टोरी के साथ,
जो हमें थिएटर में एक अच्छी थिएटरिकल एक्सपीरियंस भी दे। तो ऐसी स्टोरी से आया तो बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा ये फिल्म करना है। सारी चीजें छोटी छोटी पर इतनी इतनी नेचुरली कर लेते हैं, प्रमोशन हो, मैंने इंटरव्यूज देखे आपके हर एक किरदार को लेके, इतना एकदम शांति और उसके साथ आप किरदार में, अभी जो एंड ऑफ द ट्रेलर सीन है, दैट 12 बुक्के आपने मारे हैं, वो रेज भी आप हो और हमारे सामने वो भी आप हो, इट्स लाइक फुल ग्राफ। तो एक्टर हूँ तो सब करना पड़ता है, इसीलिए तो इतना प्यार मिल रहा है सब सबसे। और जो अगर बात वो टैग का है तो वो भी अभी 15 साल का करियर है, तो बीच में कभी हो गया वो टैग भी, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने पहली बार वो करा वो याद नहीं है, मगर प्यार से बुलाते हैं नेशनल स्टार बोल के, तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मीडिया हमारे साथ है, आपके कोई क्वेश्चन है प्लीज धरणी के बारे में हमारे साथ कुछ बातें शेयर करिए। टू अडैप्ट दैट कैरेक्टर, दैट रेज, दैट लव, और दैट एवरीथिंग, एवरी इमोशन, हर इमोशन, आई थिंक वी ऑल हैव इट, हम सब में है, तो या दोस्ती या एंगर, ऑल दैट इमोशंस व्हिच धरणी हैज, हम सब में है। मगर जनरली क्या होता है, हम पिक्चर में दिखाते हैं कि ये हीरो है, ये भगवान है, फर्स्ट से लास्ट होकर अच्छा काम करता है, अच्छा बात बोलता है, तो आई थिंक नोबडी इज लाइक दैट, आई थिंक वी आर ऑल ग्रे, हम भी मिस्टेक्स करते हैं, उसे यू नो सेट्रेट करते हैं, और हम सब में रहता है, और जब जरूरत पड़े तब हम में से एक हीरो आना पड़ता है। तो आई थिंक वो रियलिस्टिक अप्रोच में थिएटर वाला एड्रेनलिन रश भी है फिल्म में, तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। जब भी आप थिएटर जाओगे, जब ये कहानी देख रहे हैं तुम, आप फुल रिलेट कर सकोगे, सीन्स रियल लगेंगे, और उसी टाइम में आपको वो जो थिएटर एक्सपीरियंस में जो एड्रेनलिन रश चाहिए, वैसी एड्रेनलिन कमर्शियल मोमेंट्स भी है, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया ना। परफेक्ट कॉम्बिनेशन एज यू सेड, और जब स्टोरी हो जैसे कॉल कर, हाँ,